सबसे पहले था या थैली भी चल लूंगा। अब यका पर 1 किलो मक्का को बीज डालूंगा। यका में थोड़ा पानी का छिटा डालूंगा, क्यों कि यका में टाइकोडर्मा चिपकी जाए। यका में हम 5 ग्राम टाइकोडर्मा डालूंगा। यका भी हम अच्छो मिले लूंगा, क्यों कि यका में हार बीज पर अच्छो चिपकी जाएगा। अभी यो बीज उपचार हुई गो, यका भाव तगारी में डाल देंगे। ये कहा आधा घंटा लग छाव में सुखाड़ूंगा, फिर लगे देंगे। जी तमने ट्राइकोडर्मा से मक्का के बीज को उपचार करो, एक से क्या फायदा है? ये मक्का की जड़ है, फफूंद नाशक की बीमारी छे, वानी लगेगा। हाँ। तो पौधो अपनो स्वास्थ्य रहेगा, ओकाश पाक भी अच्छो। एकाशी अपनी दूसरी दवा ने की बचत भी हुई जाएगी। एकाशी हम ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचार कर रहे। जी तमने मक्का ट्राइकोडर्मा से मक्का बीज को उपचार करीकन बतायो ना, जानकारी भी दी, एका ले बहुत बहुत धन्यवाद। एका बारा में अन्य किसानों का संदेश देना चाहोगे? सब अन्य किसान भाई बहन का मारो योज कहना छे, तम भी छे नी तो मक्का का बीज को ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करी न लगाओ, क्यों ती एका में मक्का के जड़ नम है, फफूंद नाशक की बीमारी लगज वो नहीं लगेगा। अपनो मक्का को पौधो बढ़िया रहेगा, कई प्रकार की बीमारी भी नहीं आवेगा मक्का पर, पाकेगा भी अच्छो। सब किसान भाई बहन का मारो योज कहना छे ती एना हिसाब से बीज उपचार करी न लगाओ। सब किसान भाई का मारो राम राम। अच्छा जी तुमने मक्का ट्राइकोडर्मा से मक्का बीज को उपचार करी कर बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।